बिसम हम पढ़े डेरेवेटिव डेरेवेटिव इसको हमने शुरू में बात की थी कि इट्स लाइक ऑल्सो रेफर टू एज द ड्रैगन एंड ड्रैकुलर इट्स नॉट लाइक दैट बट स्टिल थोड़ा सा आई है इिया सो विल बी स्पेंडिंग टाइम ऑन इट सो आई अप्रिशिएट इस पर थोड़ी सी हम रिसर्च करते रहें प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते रहें एंड डू इट इन बिट्स एंड पीसिस सारे को इकट्ठा करने की कोशिश ना करें देन दैट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक सो अनदर इम्पॉर्टेंट डेरेवेटिव इज़ फ्यूचर्स फ्यूचर एक तो वो होता है ना टाइम टू कम इट्स ऑल्सो अ नेम ऑफ अ डेरेवेटिव दैट इज कॉल्ड फ्यूचर हमने जो पहले फॉरवर्ड पढ़ा था ये उसकी एक अनदर टाइप इज बट इट हैज समिटिंक्शन इट हैज समिफरेंस फैक्टर दैट नीड टू बी नोन अ फ्यूचर कॉन्टेक्ट इज सिमिलर टू फॉरवर्ड इन दैट इट्स एन एग्रीमेंट दैट ऑब्लाइज सेलर एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट टू डिलीवर एंड स्पेसिफाइड अमाउंट तो हमने पहले जहाँ बात की थी कि एक आपने एग्रीमेंट की कि आपने इस फ्यूचर डेट में ये चीज़ इतनी क्वांटिटी इस रेट पे देनी है तो उस तरह तो ये सिमिलर है बट वेयर द डिफरेंस कम्स इन यहाँ पे जो आएगा दैट इज़ अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन बायर कॉन्ट्रैक्ट अबलाइज टू टेक डिलीवरी ऑनलाइन एंड द सेलर इज़ अब्लाइज टू टेक डिलीवरी ऑल दो सेटलमेंट मे बी विद कैश तो कैश सेटलमेंट भी होती है और गुड्स की डिलीवरी भी होती है और ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है इट्स नॉट अ चॉइस और एनी थिंग आपने अगर लॉन्ग uh, uh, है तो यू मस्ट बाईड अगर आप शॉर्ट हैं तो देन यू मस्ट सेल इट सो इट्स अ फिक्स स्ट्रीम थिंग एंड इट्स अ जीरो सम गेम एक पार्टी को लॉस हो रहा है तो दूसरी पार्टी को गेन होगा डिपेंडिंग ऑन वट द मार्केट मूवमेंट ऑफ रेट्स इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर आर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स कि फॉरवर्ड जो था वो दो पार्टियों के बीच में डील हो रही थी वो तो कोई भी टर्म्स कोई भी चीज़ सेटल कर लेते थे यहाँ ऐसा नहीं है ये बड़ी स्टैंडर्डाइज हैं स्ट्रक्चर्ड हैं और इसमें यू हैव टू बी फॉलो व्हाट द मार्केट्स एंड व्हाट द नॉम इज तो ये नॉर्मली ट्रेड्स हो रहे होते हैं एक्सचेंज पे जैसे कि अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जाएँ तो इफ़ यू स्क्रोल डाउन द होल मार्केट समरी तो नीचे फ्यूचर्स आ रहे होंगे कि जी नेशनल बैंक का फ्यूचर इस रेट पर है ओ का इस रेट पे है पी पी का इस रेट पे है तो वो आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि आप इस रेट में बाय कर सकते हैं इस रेट पे सेल कर सकते हैं तो so वो जब आप रेट में लॉक कर लेंगे यू विल बी बाइंडिंग विद दैट सो स्टैंडर्डाइज में रेट्स भी मूव्स होते हैं और कई दफ़ा क्वांटिटी भी होती है कि मिनिमम आप एक लाख का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या मिनिमम तीन महीने का कर सकते हैं तो वो स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करनी होती है फ्यूचर में जो कि वहाँ पर ये बात नहीं थी हम इसके डिफ्रेंसेज थोड़ा और भी डिस्कस करेंगे बट दिस इज़ द मेन की डिफरेंस द बायर एंड सेलर डू नाट नेसेसरली नो ईच अदर हु इज़ ऑन द अदर साइड ये भी एक बड़ा फ़र्क है मैं जब कोई फ्यूचर खरीद रहा हूँ तो मेरी काउंटर पार्टी है एक्सचेंज जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मैं डील कर रहा हूँ ये मैं बायर हूँ जो सेलर होगा वो सेलर भी एक्सचेंज से डील कर रहा है तो आई एम डीलिंग विद एक्सचेंज अनादर पार्टी इज़ ऑल्सो डीलिंग विद एक्सचेंज सो आई डोंट नो हु इज सेलिंग वाट आई एम बाइंग सो द मेन माई पार्टी इज एक्सचेंज तो वो जो एक बड़ा रिस्क था काउंटर पार्टी रिस्क डिफ़ॉल्ट रिस्क वो वर्चुअली एलिमिनेट हो जाता है ख़त्म नहीं होता बिल्कुल ही लेकिन थोराटिकली थोड़ा सा रह जाता है बट अफेक्टिवली इट इज़ रिड्यूस तो क्योंकि जो अब दूसरी तरफ एक्सचेंज अब मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डिफ़ॉल्ट कर जाएगी बट थोड़ा सा एलिमेंट रिस्क का रहेगा तो बट मेन पॉइंट इज़ के रिस्क जो एलिमेंट है वो जो फॉरवर्ड में था काउंटर पार्टी रिस्क डिफॉल्ट रिस्क वो अब यहाँ पे आके रिड्यूस बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन सेल सेम कॉन्ट्रैक्ट एंड सेलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बाय तो मैं अब एक दफ़ा खरीद भी सकता हूँ अगले मिनट में मैं जाके वो ट्रांजेक्शन सेल भी कर सकता हूँ आई कैन टेक पोजिशन मल्टीपल टाइम्स एंड मल्टीपल पोजीशन बिकॉज आई एम डीलिंग विद द एक्सचेंज द प्रेजेंस ऑफ एक्सचेंज एज एन इंटरमीड्रीट बिटवीन हेल्प रिड्यूस काउंटर पार्टी रिस्क जो भी मैंने बात की कि काउंटर पार्टी का रिस्क जो है वो उसको रिड्यूस कर लेता है थोरेटिकली खत्म कर देता है लेकिन प्रैक्टिकली हम कहेंगे कि थोड़ा सा उसमें फिर भी चांस रहता है काउंटर पार्टी रिस्क कैन नॉट बी इलिमिनेटेड क्योंकि एक्सचेंजेस भी बॉडीज ही हैं दे कैन डिफॉल्ट बट हिस्टोरिकली ऐसा नहीं होता एक्सचेंजेस डू ऑनर अब जो लोग हैं वो भी तो डिफॉल्ट कर सकते थे उसके लिए फिर एक मैकेनिज्म होता है व्हाट हाउ दे डू इट वो कैसे है टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ अगेंस्ट वन और पार्टी डिफॉल्टिंग जो बायर है वो पैसे ना दे चीज़ें खरीदने के लिए रेट अगर गिर जाए या सेलर अगर रेट बढ़ जाए तो सीधे ना दे ये भी रिस्क है इसको एक्सचेंज कैसे कैप्चर करती है एक्सचेंज कहती है अच्छा आपने अगर फ्यूचर पोजिशन लेनी है ओके गुड इनफ डिपॉजिट अ मार्जिन लेट मी कम अगेन आपने एक पोजिशन लेनी है सेल की या बाय की तो आप हमारे पास एक मार्जिन जमा कराएं कि अगर आपने ऑनर नहीं किया तो आपका मार्ज जो एक्स्ट्रा चेंज आएगी वह मार्जिन आपका जेपरडाइज हो जाएगा तो फिर इसी तरह पार्टीज फिर डिफ़ॉल्ट नहीं करती क्योंकि उनका वहाँ पर मार्जिन पड़ा होता है तो सेलर का भी मार्जिन पड़ा होता है और परचेज़र का भी तो वो इसको दैट डिपॉजिटिंग ऑफ फंड एज कोलेट्रल इज़ कॉल्ड पोस्टिंग अ मार्जिन कि हमने मार्जिन रखवा लिया वो उनकी एक किस्म की सिक्योरिटी होती है उनकी एक किस्म की कोलेट्रल की शक्ल में वहाँ पे पड़ा होता है द अमाउंट डिपॉजिट ऑन डे ट्रांजेक्शन अगर इज कॉल्ड इनिशियल मार्जिन पहले जो जमा कराएंगे कि आपने जो पोजिशन लेनी है तो इनिशियल मार्जिन फिर एक सर्टन परसेंटेज होती है दैट इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस मार्जिन जो कि थोड़ा सा कम होता है कि शुरू में हमने कहा लेट से आप थर्टी परसेंट ट्रांजेक्शन का जमा कराएं और बाद में आपने फिर उसको ट्वेंटी फाइव परसेंट पे मेंटेन करना है दैट इज़ मेंटेनेंस मार्जिन तो वो जो गेन होगा उससे आपका मार्जिन का अकाउंट बढ़ जाएगा अगर लॉस होगा तो उसमें से आपके मार्जिन में से वो निकल जाएगा ये कैसे होगा वो भी अभी हम बात करते हैं बट रिस्क कैसे सेफ किया एक्सचेंज ने मार्जिन रखवा के तो मार्जिन से अब ना खरीदने वाला भाग सकता है ना बेचने वाला क्योंकि अदरवाइज उसका वो मार्जिन लूज करेगा और वो भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होती है कोई बहुत छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती तो एक्सचेंज सेट द मार्जिन अमाउंट डिपेंडिंग ऑन अंडरलाइंग प्राइस वॉलिटिलिटी अब जिस तरह का एसिट होगा उस तरह का मार्जिन होंगे अगर कुछ एसिड्स बहुत सेफ हैं उनमें एक वॉलेटिलिटी कम है तो हम लो मार्जिन पे भी काम कर सकते हैं लेकिन अगर वो बहुत वॉलेटाइल एसिड्स हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं फिर उसमें मार्जिन की रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होंगे क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो फिर देन वी नीड अ हायर मार्जिन एन अदर वे ऑफ रिड्यूसिंग काउंटर पार्टी रिस्क इज बाय मार्किंग टू मार्केट डेली ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें एक और रिस्क कैसे ख़त्म करते हैं हमने कॉन्ट्रैक्ट तो किया तीन महीने का शेयर की प्राइस ने तो डेली चेंज होना है तो हम कहते हैं कि हम तीन महीने का वेट नहीं करेंगे जैसे कि फॉरवर्ड में होता था कि तीन महीने बाद लेना देना होगा तब तक बीच में कोई पेमेंट या ना शुरू में कोई पेमेंट हो रही थी ना बीच में हो रही थी इसमें एक तो शुरू में मार्जिन रखवा दिया हमने दूसरा हम कहते हैं कि मार्क टू मार्केट मार्क टू मार्केट का मतलब क्या है कि हम सेटलमेंट फ्रीक्वेंटली करते रहेंगे अगर थ्री मिनट का कॉन्ट्रैक्ट है तो हम वी विल नॉट वेट फॉर द थ्री मंथ्स वी विल सेटल इट एवरी वीक इन सम केसिस विल सेटलिट एवरी डे सेटलिट एवरी डे का मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट या लॉस होगा आपने एक पोजीशन ली हुई है बाय की उस शेयर की प्राइस बढ़ गई तो गेन हो गया तो वो उतने का अमाउंट का जितना गेन है हम आपके अकाउंट में डाल देंगे यू विल गेट द गेन और सिमिलरली अगर आप अगर उसकी प्राइस कम हो गई या लॉस हो गया कुछ आपने लिया था बीस रुपये का शेयर लिया था और मार्केट में हो गया उन्नीस का और एक हज़ार शेयर था तो एक हज़ार इंटू वन रुपीज़ थाउजेंड डॉलर हम आपके मार्जिन में से निकाल लेंगे कि भाई आपका इतना लॉस हो गया योर मार्जिन इज रिड्यूस्ड आफ्ट दैट्स कॉल्ड मार्क टू मार्केट कि डेली बेस पे जो गेन लॉस हैं वो आपके अकाउंट से एडजस्ट कर दिए जाते हैं तो ये भी फायदा हो जाता है कि फिर बहुत अगर देखिए इस तरह ना होता तो पूरा महीना चेंज अप डाउन कुड भी वेरी मच हो सकता है शेयर 20 से 40 का चला जाता है या शेयर 20 से पाँच रुपए का आ जाता है तो पंद्रह रुपये का गेन या लॉस होना एक ह्यूज अमाउंट है अब वन वन डॉलर की ही हम एडजस्टमेंट करते जा रहे हैं तो वो रिस्क काउंटर पार्टी का और कम होता जाता अगर उनके मार्जिन बहुत कम हो जाएंगे तो हम उनको कहेंगे भाई मार्जिन आप और जमा कराएं इन योर अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच डे एक्सचेंज स्टेब्लिश सेटलमेंट प्राइस सेटलमेंट प्राइस तय होती है कि आज का रेट क्या है इस रेट पे फिर सेटलमेंट देखी जाती है आपका गेन है या लॉस है गेन विल बी एडेड टू योर अकाउंट लॉस विल बी चार्ज टू योर अकाउंट एंड योर मार्जिन विल बी एडजस्टेड सो दिस इज रेफर टू एज मार्क टू मार्केट सो द बायर एंड सैलर मार्जिन चेंज इन द सेटलमेंट प्राइस वेदर इट्स एंड एडवांटेज फेवर में हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है जो भी हो रहा है तो आपके अकाउंट में उसकी एडजस्टमेंट है तो दिज आर इज रेफर टू एज मार्क टू मार्केट और आपकी इसमें यह एडजस्टमेंट हो जाती है थैंक यू